तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स देन जी इज विलियन. इसका मतलब ये है कि ग्रुप का हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है, मतलब ए का इनवर्स ए के इक्वल है. मतलब ये कि ग्रुप का हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है, मतलब उसका इनवर्स वो खुद है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है. तो इसका मतलब है जी हमारे पास क्या होगा, बिलियन. क्या ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसमें कोई जिसका हर एलिमेंट खुद का इनवर्स हो? एग्जैक्टली करते हैं, मैं एग्जाम्पल दूँ, देखते हैं. वैसे थोड़ा सा अनरिलेटेड पॉइंट है, बट देखो किस तरह एग्जाम्पल समझते हैं, बात समझने की है. जैसे सी टू का ग्रुप याद हो किसी को? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टू का, कॉम्प्लेक्स ऑफ यूनिटी, चलो टू का देखो, विच इज कंटेन -1 एंड 1. सो हम देखते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, देखो किस तरह होगा. मैं जरा इसको बनाती हूँ कैलस टेबल आपके लिए. देखो 1 -1, 1 -1, 1 -1, -1 और 1. गौर से देखना, -1 का इनवर्स -1 खुद है, और -1 का, सॉरी हाँ, और -1 का इनवर्स देखो, -1 का इनवर्स -1 है, और 1 का इनवर्स 1 खुद है. क्या है, 1 आएगा. आई बात समझ? तो ये ऐसा ग्रुप है, ग्रुप ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसमें हर एलिमेंट खुद का इनवर्स खुद होता है. ठीक है, आप और भी ढूंढ सकते हैं एग्जाम्पल, मुझे सिर्फ एक याद आई, भी आप और भी ढूंढ सकते हैं. सो हम लिस्ट करते हैं, जी भी एक ग्रुप, जी हमारे पास कोई ग्रुप है. ठीक है, और हम यहाँ पे एक और बात डिलीट कर लेते हैं. एंड जो ए और बी है ना, वो बिलोंग करते हैं हमारे जी से. और अगर ए और बी बिलोंग करते हैं हमारे जी से, तो ऑफ कोर्स ए का इनवर्स एंड बी का इनवर्स भी बिलोंग करते होंगे हमारे जी से, राइट? ए का इनवर्स और बी का इनवर्स हमारे जी से बिलोंग करते हैं, और हमें गिवन है एंड कि ए इक्वल है ए इनवर्स के, ये गिवन है हमें. सिमिलरली में ये भी गिवन है कि बी इक्वल है बी इनवर्स के, है ना? ये जो चीज हमारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है ना. अब हम क्या करेंगे, इसको बिलियन प्रूफ करना है. तो हम कैसे करेंगे? तो अगर ए और बी बिलोंग करते हैं, देन ए और बी का प्रोडक्ट भी बिलोंग करता है हमारे जी से, है ना? और अगर ए और बी का प्रोडक्ट हमारे जी से बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज दैट के ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है. तो ए बी एक एक एलिमेंट बना है, तो इट मीन्स दैट कि ए बी इक्वल होगा ए बी इनवर्स बिकॉज ऑफ दिस, राइट? नाउ अगर ए बी इनवर्स की इक्वल, तो देखते हैं कैसे. तो ए बी इक्वल होगा हमारे पास, रिवर्सल लॉ रहेगा ए बी इनवर्स के, ठीक है? और बी का इनवर्स इक्वल है बी के, और ए का इनवर्स इक्वल है ए से फ्रॉम गिवन डेटा. सो दिस इम्प्लाइज दैट जी इज अबेलियन. हो गया प्रूफ, वेरी सिंपल प्रूफ, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, सो अब हम हमारे तकरीबन जितने भी 5-6 प्रूफ करने तो कर लिए हैं, अब हम लोग आगे शुरू करने लगे हैं. चलो नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप. सो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज